हेलो ब्यूटीफुल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी पतले और छोटे बालों को तेजी से लंबे और घने बनाने का बहुत ही इफ़ेक्टिव नुस्खा बताऊंगी। आजकल बालों का पतला होना और बालों का झड़ना बहुत ही कम उम्र में शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका मेन रीज़न है बालों का ठीक तरह से ख्याल ना रखना। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए बहुत ही ईजी, इफ़ेक्टिव और मैजिकल हेयर ऑयल रेमेडी लेकर आई हूँ, जिससे आप अपने पतले और छोटे बालों को बहुत ही तेजी से लंबे और घने बना सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इस इजी इफ़ेक्टिव ऑयल को किस तरह से बनाते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल दबाएं अपडेट्स के लिए। इससे आपका प्यार झलकता है और हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा अप हो जाता है। तो इसको बनाने के लिए आपने सबसे पहले 2 से 3 एलोवेरा के लीव्स लेने हैं और इसको अच्छी तरह से वॉश करके इस तरह से आपने काट लेना है। आपको एलोवेरा के लीव्स किसी भी प्लांट शॉप में बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे और आप हमेशा ज़्यादातर यही कोशिश करें कि एलोवेरा प्लांट आपके घर में ही अवेलेबल हो, क्योंकि आप सभी जानते ही हो कि एलोवेरा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट है। हमारे ब्यूटी केयर से लेकर हमारे हेयर के लिए सब में ही बहुत ही ज़्यादा एलोवेरा का यूज़ किया जाता है। और हाँ, एलोवेरा हमारी ब्यूटी केयर के साथ ही साथ हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। एलोवेरा में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि हमारे डैमेज हेयर को रिपेयर करता है और हमारे हेयर स्कैल्प को हील करके हेयर फॉलिकल्स को हेयर ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि फास्ट हेयर रीग्रोथ होते हैं। साथ ही एलोवेरा में प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिश और हाइड्रेट करते हैं, जिससे कि हमारे हेयर हमेशा सॉफ्ट, शाइनी और हेल्दी रहते हैं। अब आपने एक पैन में कोकोनट ऑयल लेना है। मैंने यहाँ पे 1 कप के अराउंड लिया है कोकोनट ऑयल, और गैस ऑन करनी है और सिम गैस में ही रखना है, धीमी आंच में रखना है हमने इसको। और फिर कटे हुए एलोवेरा लीव्स डाल दीजिए और फिर आपने इसको 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम में फ्राई करना है। मैंने इस ऑयल की गुडनेस को बढ़ाने के लिए इस पे 3 से 4 टीस्पून आलमंड ऑयल डाला है। सात से आठ मिनट तक लो फ्लेम में फ्राई करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसको स्ट्रेन कर लीजिए, यानी कि छान लीजिए। दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लेना है हमें इसको। अब आपने एक ऑनियन लेना है और इसका जूस अच्छी तरह से निकाल लेना है। इसके लिए आप ऑनियन को ग्राइंड कर सकते हो या तो कद्दूकस की हेल्प से इसको अच्छी तरह से कद्दूकस करके फिर इसका जूस निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑनियन को कद्दूकस कर लिया है और एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसका जूस निकाल लिया है। अब इस ऑनियन जूस को इस ऑयल में ऐसे ऐड कर दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, हमारा मैजिकल ऑयल रेडी हो चुका है। अब इस ऑयल को एक क्लीन कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। आप इसे 1 से 2 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा एक्सट्रीम हेयर ऑयल तैयार हो गया है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस ऑयल को किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब आपने इस ऑयल को थोड़ा सा लेकर अपने हेयर स्कैल्प पर अच्छी तरह से मसाज कीजिए। आप चाहे तो फिंगर टिप्स के हेल्प से भी मसाज कर सकते हो या तो फिर कॉटन की हेल्प से भी कर सकते हो। कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप अच्छी तरह से मसाज कीजिए अपने हेयर स्कैल्प पर। हेयर स्कैल्प से मसाज करते हुए इस ऑयल को आपने अपने हेयर लेंथ तक अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। आप चाहो तो इस ऑयल को अपने हेयर पर लगाकर ओवरनाइट भी रख सकते हो। और अगर आप इस ऑयल को ओवरनाइट लगाकर नहीं रखना चाहते हो तो कम से कम आप इस ऑयल को 2 घंटे तक तो ज़रूर लगा के रखिए और फिर आप किसी भी हर्बल शैम्पू से वॉश कर लीजिए। तो गाइस, इस तरह से आप इस ऑयल को हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आप इससे सिर्फ 2 हफ्तों में ही अपने हेयर पर बहुत ही अच्छी इम्प्रूवमेंट देख पाओगे। इस ऑयल के इस्तेमाल से आपके हेयर इतने लंबे और घने बनेंगे कि आप हैरान रह जाओगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हेयर ग्रोथ के लिए बहुत सारी रेमेडी अभी तक ट्राई कर चुके हो और उससे आपको अभी तक कुछ खास रिजल्ट भी नहीं मिला है,
तो फ्रेंड्स परेशान मत होइए, इस रेमेडी को आप एक महीने तक जरूर ट्राई करके देखिए। अगर आपको इससे 2 हफ्ते तक रिजल्ट नहीं मिलेगा तो 1 महीने तक तो पक्का मिलेगा, क्योंकि ये रेमेडी सभी टाइप के हेयर के लिए एप्लीकेबल है। ट्रस्ट मी गाइस, इसका रिजल्ट भी बहुत ही अमेजिंग है, तो एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए। आई होप गाइस आप सबको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और पहले की अपलोड की हुई वीडियोस देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अच्छी और इफेक्टिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।